महावली खली की मंडी में होने जा रही रेसलिंग से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी सियासी नुमा कुश्ती के चलते जो खलल पड़ा है उससे हुए नुकसान के डैमेज कंट्रोल का जिम्मा अब खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने संभाल लिया है। खली की कंपनी CWE के आयोजन द ग्रेट खली रिटर्न्स जिस तरह से विपक्ष ने सवालों के घेरे में लेते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके चलते सरकार को इस आयोजन से हाथ पीछे खींचने पड़े। इससे जहां ग्रेट खली अपने ही प्रदेश में आहत हुए हैं, वहीं पर उन्होंने आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि WWE को ओलंपिक गेम में शामिल नहीं किया गया है, इसके चलते राज्य सरकार इस आयोजन को आर्थिक मदद नहीं दे रही है, क्योंकि ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा हिमाचल का बेटा है जो गरीबी और आर्थिक तंगी के बाद संघर्ष करता हुआ विश्व स्तर पर अपना और प्रदेश का नाम चमका रहा है। खली ने अंडर टेकर जॉनसीना जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेसलर को हराया है, जिसके लिए खली के इस आयोजन को लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से खली के आयोजन को कोई आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है, लेकिन उनके इस आयोजन के लिए स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अन्य मदद जिनमें पटेल मैदान को मुफ्त देना और बैठने आदि की व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। खेल मंत्री गोविंद ठाकुर आयकर विभाग और खेल विभाग के अधिकारियों से खफा दिखे। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी भी हमारे प्यार को कमजोरी समझ लेते हैं। गोविंद ठाकुर खली के कार्यक्रम को लेकर आय विभाग द्वारा टिकटों की बिक्री का हिसाब मांगने और खेल विभाग द्वारा पटेल मैदान जहां रेसलिंग होनी है का 1.5 लाख का बिल खली को थमाए जाने से नाराज थे। उन्होंने कहा कि जब ये आयोजन फ्री करवाया जा रहा है और टिकट बिकनी नहीं है तो आयकर वाले वहां क्या करने गए थे। इस पर उनका जवाब मिला कि वह वहां पर घूमने गए थे। उसी प्रकार गोविंद ठाकुर ने कहा कि खली की रेसलिंग के लिए मैदान की मुफ्त व्यवस्था की जा रही है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन पूरब में कांग्रेस की सरकार ने इन प्रतिभाओं की ना तो पहचान की और ना ही इनकी मदद की, जिसकी वजह से हिमाचली प्रतिभाओं को पलायन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार खेल, संगीत, कला और अन्य विधाओं की प्रतिभा को हिमाचल से पलायन करने नहीं देगी। हिमाचल के कई कलाकार निर्देशक दिल्ली और मुंबई में काम कर रहे हैं, उन्हें वापस हिमाचल बुलाकर उन्हें यहां काम करने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेलों को लेकर साल भर का कैलेंडर तैयार कर लिया गया है, जिसके चलते सितंबर माह में बिलासपुर विश्व स्तर की वाटर स्पोर्ट्स करवाई जाएंगी, वहीं पर अक्टूबर में विट बिलिंग और अन्य जगहों पर पैराग्लाइडिंग, दिसंबर जनवरी में बर्फबारी वाले क्षेत्रों में स्कीट प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम भी दिया है द ग्रेट खली रिटर्न्स। और उसके बाद ये कि उनका ये कहना है, जब मैं पिछली सरकार के समय आया तो मुझे किसी ने कहीं पर भी पहचानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि श्रीमान जयराम ठाकुर जी का जो एक सोच है नए इनिशिएटिव करना, कि सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कर नहीं पाएगी, और ये बात लगभग एक सप्ताह पहले की है, लेकिन द ग्रेट खली का मैं एक बात मानूंगा कि जैसे अगर वो शरीर भगवान ने दिया मन के भी वैसे बड़े हैं, उनका कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश मेरी अपनी स्टेट है, तो अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार से नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने हिमाचल प्रदेश के लिए अपने तौर पर स्पॉन्सरशिप है चाहे टिकट है किसी तरह से। और लेकिन हमने कहा कि भाई अगर जहां पर हमारे संबंध संपर्क है सरकार के, ठीक है, हम अपनी ओर से तो 1 रुपया नहीं दे रहे, अगर जहां पर हम कुछ मदद कर सकते हैं तब वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हम देंगे, क्योंकि हिमाचल का बेटा है। और मित्रों, और इतना जबरदस्त तरीके से जब 1 सप्ताह के अंदर आप मान सकते हैं कि अगर जो व्यवहारिकता में देखा जाए 3-4 दिन में कितने टिकट कौन बेच सकता है, कितना काम कर सकता है, लेकिन द ग्रेट खली का बड़ा मन इस बात का ही प्रतीक, उन्होंने कहा कि जब ये सब है तो मैं यहां की फाइट को मैं पूरा फ्री करूंगा ताकि नए बच्चे देख सकें। और इसलिए अब जो कल 4 तारीख का जो दिन है हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं एक बात है कि जो लोग ऐसे सब कामों में नेगेटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े, कल मुकेश अग्निहोत्री ने जो पत्रकार वार्ता की है, मुझे ये लगता है कि वो हिमाचल की प्रतिभाओं को रोकने का काम करते हैं। इस दौरान ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा ने कहा कि राजनीति मैं नहीं जानता
और ना ही ये मेरे बस की बात है। मैं तो रेसलिंग जानता हूँ और चाहता हूँ कि हर युवा स्वस्थ हो और नशे से दूर रहे। खली ने कहा कि अभी वह मंडी में रिंग में नहीं उतरेंगे। अगर अंतिम समय में वॉडी ने साथ दिया तो वे रिंग में उतर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ कुछ विदेशी महिलाएं और पुरुष पहलवान भी मौजूद रहे। जब बंदे बोलते हैं अगर मेरी बॉडी साथ देगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं साथ देगी तो नहीं लड़ूंगा। भैया कल आपको बताया कल भी कि नहीं लड़ूंगा, ठीक है। बाकी मौके का पता, मौके में छक्का कैसा लगता है देखो, बहुत टफ होता है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब रेसलिंग फील्ड में बहुत टफ है और राजनीति फर्क आती ही नहीं। राजनीति में बताओ जैसे बोल रहा हूँ पहले ही फेल, मेरे को रेसलिंग आती है, रेसलिंग का काम कर रहा हूँ और रेसलिंग को कोई बढ़ावा दूंगा जितना हो सके।